एमपी के कृषि मंत्री कमल पटेल का अंदाज और नजरिया दूसरे मंत्रियों से कुछ अलग हटकर है। कृषि मंत्री कमल पटेल इस बार खेत में चने की फसल काटते नजर आए हैं। पटेल ने कहा कि इस बार चने की फसल अच्छी हुई है, इससे किसानों को काफी लाभ मिलेगा। कहते हैं कि खेत किसान का मालिक होता है, खुदा होता है, भगवान होता है और किसान हमेशा सिर्फ खेत में ही काम करता है। ऐसा ही नजारा हरदा में देखने को मिला, जहां कृषि मंत्री कमल पटेल खेत में काम करते नजर आए। वो मंत्री जरूर हैं, लेकिन खेत में जाकर उनको सुकून मिलता है। कमल पटेल स्वयं एक किसान हैं और वे खेती किसानी को अच्छे तरीके से समझते भी हैं। शनिवार के दिन वे खेत में पहुंचे और चने की फसल की कटाई करते नजर आए। उन्होंने बताया कि बारंगा में चने की कटाई के बाद इस वर्ष चने की फसल अच्छी आई है। डॉलर चना प्रति एकड़ 10 से 12 क्विंटल और देसी चना 14 से 15 क्विंटल होने की उम्मीद है। खेत के चने कटाई शुरू कराई, चने की फसल बहुत अच्छी आई है, मौसम बहुत अच्छा है और ये एक एकड़ में 10 क्विंटल तो डॉलर जो है 10 से 12 क्विंटल होगा और जो बाकी चना देसी है वो 14 से 15 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन आ रहा है। 12 से 10 से 12 14 आज हमने चने की कटाई शुरू की है। हमारे गांव वालों के साथ, मजदूरों के साथ बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी फसल है। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी को बधाई देता हूँ कि उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश का किसान चहुंमुखी विकास कर रहा है। प्रकृति भी शांति रही है, मौसम बहुत अच्छा है और इसके बाद मूंग की फसल भी बोएंगे, तीसरी फसल, जिससे किसान प्रति एकड़ 1 लाख से ऊपर शुद्ध लाभ कमाएंगे। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।